नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये देखते हैं फ्रेंड, सोमवार को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था इसमें हम पहले देख लेते हैं कि एसजीएस निफ्टी और डाउ जोन्स ने क्या किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करो कि लास्ट फ्राइडे को एसजीएस निफ्टी ने 18,301 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स एसजीएस निफ्टी में। और मैंने आपको बताया था एसजीएस निफ्टी का टारगेट मैंने दिया था पहला 18,364। तो आप यहाँ पे चेक करोगे उसने हाई मारा है, 18,301 का हाई मारा है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर एसजीएस निफ्टी 364 के ऊपर निकलता है सोमवार को, गैप ओपन होता है, तो उसका टारगेट आ सकता है अल्टीमेट 18,500 के करीब जाने की पूरी कोशिश कर सकता है फ्रेंड्स एसजीएस निफ्टी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देख लेते हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स उनको मैंने आपको टारगेट दिया था वन डे के चार्ट में 33,230 और उसने हाई मारा है फ्रेंड्स 2 नवंबर को 33,071 का उसका हाई मारा है। तो करीबन उसके टारगेट के पास जाके फिर से वो नीचे घूम के नीचे आ गया है फ्रेंड्स डाउ जोन्स। अभी यहाँ पे आप चेक करोगे कि लास्ट फ्राइडे को उसका क्लोजिंग हुआ है 32,400 प्लस ऊपर क्लोजिंग हुआ है, यानी 400 पॉइंट को क्लोजिंग दिया है और एसजीएस निफ्टी ने 98 पॉइंट करीब उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स लास्ट फ्राइडे को। और अगर डाउ जोन्स का हम देखते हैं तो अगर वो 32,743 ब्रेक करेगा फ्रेंड्स, इस लेवल को ब्रेक करेगा 32,840, तो उसका टारगेट आ सकता है 33,200 के करीब जाने की पूरी कोशिश करेगा इस हाई के पास 150 या 189,200 जाने का कोशिश करेगा डाउ जोन्स आने वाले वीक में। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि एसजीएस निफ्टी और डाउ जोन्स प्लस में क्लोज हुआ है लास्ट फ्राइडे को, तो सोमवार को हमारा मार्केट भी गैप अप ओपन होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहता है फ्रेंड्स एसजीएस निफ्टी और निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में वन डे के चार्ट में क्या हो सकता है सोमवार को या फिर आने वाले वीक एक हफ्ते में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो कई दिन से वो 9 दिन से वो एक ही जोन में यहाँ पे फंसा हुआ है। जो बॉटम का टारगेट रहेगा 41,866 और ऊपर का 41,563, इसी जोन में वो घूमता रहा है। अगर फ्रेंड्स ये डोजी के अंदर बना है लास्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने, अगर बैंक निफ्टी 41,550 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है वन डे के चार्ट में फ्रेंड्स आने वाले वीक में, तो उसका पहला टारगेट रहेगा अपसाइड में 41,868 का टारगेट रह सकता है उसका वन डे के चार्ट में आने वाले वीक में। और अगर उसको भी ब्रेक किया तो उसका टारगेट जाएगा 42,000 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की वन डे के चार्ट में। ओके फ्रेंड्स, और अगर बाई चांस डाउन की साइड में अगर फ्रेंड्स 40,870 के नीचे क्लोज करता है वन डे के चार्ट में, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी 41,400, दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी 39,950। फ्रेंड्स, ये सीनेरियो बन रहा है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। वैसे ही अगर हम निफ्टी में वन डे के चार्ट में देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो वो भी लगातार चार से पाँच दिन से एक ही जगह पर घूम रहा है, जिसका अपसाइड का लेवल रहेगा 18,176 और डाउन का साइड में रहेगा 17,900 के करीब, 900 से लेके 180 यानी करीबन 300 पॉइंट के आसपास वो घूम रहा है फ्रेंड्स लास्ट 5 सेशन से। और उसने लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स 18,117 पे उसका क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स हमारा निफ्टी 50 ने। अगर वन डे की चार्ट में अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इसने जो हाई मारा लास्ट फ्राइडे को 18,135 के ऊपर क्लोज होता है, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 18,180, लेकिन वो तो मुझे लगता है सोमवार को अचीव हो जाएगा गैप ओपन होते ही। तो उसका अगर 18,185 है, लेकिन हम पकड़ के चलते 18,200 के ऊपर क्लोज होता है, तो उसका हाई जो रहेगा 18,350 के करीब जाने की पूरी कोशिश कर सकता है फ्रेंड्स निफ्टी 50 आने वाले वीक में। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे जा रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल के जा रही है फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में निफ्टी में। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा तो नीचे आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन देख लेते हैं यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन ड्रो करके देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करेगा फ्रेंड्स तो बैंक निफ्टी भी नीचे आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स
वनडे के चार्ट में, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश करने वाला है फ्रेंड्स पेंग निफ्टी। तो आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में इंट्राडे इंट्राडे में सोमवार को क्या हो सकता है फ्रेंड्स पेंग निफ्टी में। जैसे कि हमने देखा है फ्रेंड्स कि एसजीएस निफ्टी और डाउ जोन्स प्लस में क्लोज हुआ है, अगर सोमवार को भी वो प्लस में या फ्लैट ओपन होता है तो हमारा मार्केट गैप अप ओपन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स सोमवार को। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो हम पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ किया है जिसका लेवल रहेगा 41,321 से लेके 41,187। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड में 41,320, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 41,420 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 41,485। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन की साइड पर इस लेवल को ब्रेक करेगा यानी 41,190 और वहाँ पर सस्टेन करेगा 5 मिनट की कैंडल में, तो उसका टारगेट आ सकता है पहला 41,090, दूसरा टारगेट आ सकता है 41,050 और तीसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स 40,950। फ्रेंड्स अगर बैंक इतनी ज़्यादा गैप ओपन होता है यानी हमारा इस जोन में ओपन होता है 41,400 के आसपास, तो हमें कुछ टाइम तक प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है जिस तरफ वो ब्रेक करता है उस तरफ। वैसे ही अगर फ्रेंड्स ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी तो हमें गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है साइड इस जोन में ओपन होता है एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स कुछ टाइम पर वेट करेंगे, उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद जिस तरफ वो ब्रेक करेगा उसी दिशा में हमें ट्रेड करना होता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में, अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तब की बात है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो एज ए ट्रेडर्स नाम की चैनल है मेरी, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स निफ्टी 50 में क्या हो सकता है फ्रेंड्स सोमवार को। फ्रेंड्स मैं ये लेवल फिर से निकाल लेता हूँ जो मैंने निफ्टी में बैंक निफ्टी में उसको ड्रॉ किया था। फ्रेंड्स ये मैंने निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट लगाया है स्क्रीन पे। फ्रेंड्स ये मैंने नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ किया है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है जिसका लेवल रहेगा फ्रेंड्स 18,170 से लेके 18,077। अगर इस जोन में निफ्टी ओपन होने के बाद फ्रेंड्स अपसाइड में इस लेवल को ब्रेक करता है यानी 18,177 है, अगर 18,170 ब्रेक करता है या फिर 220 ब्रेक करता है फ्रेंड्स इसको भूल जाओ 18,220 ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है पहले फ्रेंड्स 18,290 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,250। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन होता है निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में है और यहाँ से 18,077 ब्रेक करता है डाउन की साइड में, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 18,021 और दूसरा टारगेट आ सकता है 17,970 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स निफ्टी। याद रखें यहाँ से ट्रेंड लाइन भी जा रही है, उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकअप हो जाएगा तो डाउन की साइड में हमें 50-60-70 पॉइंट मिल सकता है फ्रेंड्स निफ्टी में। लेकिन अगर हम जैसे देखते हैं कि डाउन जोन्स और एसजीएस निफ्टी गैप ओपन उसकी वजह से हमारा मार्केट गैप ओपन होने वाला है तो कहाँ तक हो सकता है वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 18,117 पे उसका क्लोजिंग हुआ है, तो देख लेते हैं कि फ्रेंड्स 100-150 पॉइंट ओपन हो सकता है हम मान लेते हैं अभी, यानी 18,217 यानी इस जोन में ओपन होता है फ्रेंड्स गैप ऑफ, तो हमें यहाँ पे कुछ टाइम पर प्राइस एक्शन बनने का वेट करके उसके बाद अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो उसका टारगेट रहेगा 18,300 के करीब जाने की कोशिश करेगा, और अगर यहाँ से डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो जो गैप पड़ा है उस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है और अगर फ्रेंड्स गैप डाउन ओपन होता है जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है लेकिन फिर भी हम उसको एनालिसिस करके देखते हैं, अगर 18,020 के करीब ओपन होता है फ्रेंड्स निफ्टी और यहाँ पे ओपन होने के बाद कुछ टाइम सस्टेन करता है उसके बाद जिस दिशा में वो ब्रेक करता है अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो थोड़ा अपसाइड का हम कॉल ले सकते हैं और अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हम पुट ले सकते हैं। ऑलवेज फ्रेंड्स हमें यही रखना है कि याद रखना है कि अगर बैंक निफ्टी हो या निफ्टी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें तुरंत इसमें ट्रेड नहीं करना है, हमें कुछ टाइम तक
प्राइस एक्स्ट्रा बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रिक करना है। या फिर कोई हैमर के अंदर बनती हो, कोई सूटर स्टैंड के अंदर बनती हो, कोई बुलिस के अंदर बनती हो, तभी हमें उसको ट्रेड लेना होगा फ्रेंड्स बे निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो रियल में अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करो और मैक्सिमम सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।